इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ सॉक्स का इस्तेमाल करके आप अपने घर की रोज़मर्रा की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो जुराब हम सबके घरों में बेकार भी पड़े रहते हैं, ख़राब हो जाते हैं, कई बार पुराने हो जाते हैं, तो हमारे पास ढेर इकट्ठा हो जाता है जुराबों का। तो उनका इस्तेमाल आप इन सब चीज़ों के लिए कर सकते हैं। कई बार एक पेयर में से खो जाता है एक जुराब, तो दूसरा ऐसे बचा पड़ा रहता है। सिंगल जुराब का भी आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं जुराब का पहला इस्तेमाल क्या है। यहाँ पर मैंने अम्ब्रेला लिया है। रेनी सीज़न में अम्ब्रेला की ज़रूरत पड़ती है, और जब रेनी सीज़न ख़त्म हो जाता है तो मोस्टली हम अम्ब्रेलाज को रख देते हैं और ऐसे ही कहीं ना कहीं रख देते हैं, जिससे उसमें डस्ट इकट्ठी रहती है या फिर किसी भी चीज़ में उलझ कर उसमें कोई कट वगैरह लग जाता है। तो इन सब चीज़ों से बचाने के लिए आप एक इस तरह से जुराब लीजिए और उसको अम्ब्रेला के ऊपर इस तरीके से लगा दीजिए, और इसके बाद आप इसे कहीं पर भी रखेंगे तो ये सेफ़ रहेगा, कोई डस्ट नहीं आएगी इसमें और ये ख़राब भी नहीं होगा। तो आप इसे अपने पर्स में भी इस तरह से रख सकते हैं, और जब भी आपको ज़रूरत हो आप इसको निकालिए और उसके बाद आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, वापस से इसे लगा सकते हैं। तो अम्ब्रेला के कवर की तरह से काम करेगा। तो ये इसका पहला इस्तेमाल है, और अब देख लेते हैं दूसरा यूज क्या है जुराब का। तो इस तरह से आपके पास कोई सुंदर सा जुराब है तो आप उसमें से इस तरह से ऊपर के और निचले पार्ट को कट कर दें। उसमें से आप 1 इंच की, 1.5 इंच की, 2 इंच की इस तरीके की पट्टियां कट कर सकते हैं। ये देखिए अलग अलग साइजेस में आप इसमें से पट्टियां कट कर सकते हैं। बस ऊपर और नीचे के पार्ट को हटाना है हमें, और ये हमारे DIY रबर बैंड्स तैयार हो गए हैं। ये देखिए इस तरीके से पकड़ करके इनको खींचना है, काफ़ी इलास्टिसिटी होती है इसके अंदर, और ये हमारे रबर बैंड्स तैयार हो गए हैं। आप इसे चोटियों में लगा सकते हैं या फिर आप जहाँ पर भी रबर बैंड का इस्तेमाल होता है वहाँ पर आप इसका यूज कर सकते हैं। तो अगर आपके पास वैसे रबर बैंड्स नहीं हैं तो आप इस तरह से जो जुराब हैं उनको कट कर लीजिए। एक जुराब में से आप आसानी से 4-5 रबर बैंड्स तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए ये पतला है और ये इससे भी ज़्यादा पतला रबर बैंड बनेगा, तो आप अपने हिसाब से इसकी थिकनेस रख सकते हैं। तो इस तरह से हम जुराब का इस्तेमाल करके रबर बैंड्स भी तैयार कर सकते हैं घर पर ही। ये देखिए इसमें से हमने 4 पीस बना लिए हैं। ये दूसरा यूज था। अब देख लेते हैं थर्ड यूज क्या है जुराबों का। ये देख सकते हैं मेरे पास एक झाड़ू है, और झाड़ू का पिछला हिस्सा जो है इसमें से एक प्लास्टिक का पीस लगा हुआ था वो निकल गया है, और जिससे इसका जो लोहे का पार्ट है वो हाथ में कई बार चोट लगा देता है, चुभता है। तो उसको हाइड करने के लिए आप इस तरह से जुराब इसके ऊपर लगा सकते हैं। अगर लूज आ रहा है तो आप इसके ऊपर रबर बैंड्स लगा सकते हैं। जो रबर बैंड मैंने अभी निकाला था जुराब में से कट करके, उसी का यूज कर रही हूँ मैं यहाँ पर। इस तरह से इसे फिक्स करने के लिए रबर बैंड का यूज़ किया जा सकता है, और बस इस तरह से ये जो झाड़ू है तैयार हो गया है, और अब इसका पिछला हिस्सा आपके हाथ में चुभेगा नहीं। तो मैंने यहाँ पर आपको लोहे का बैक वाला झाड़ू दिखाया, और भी झाड़ू होते हैं अलग अलग तरह के, तो उनके ऊपर भी आप इसे लगा सकते हैं। इससे आपकी ग्रिप सही आएगी और आपके हाथ में ज़्यादा प्रेशर भी नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से इसके लिए आप जुराब का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी झाड़ू के ऊपर आप इसे लगा सकते हैं, आसानी से निकाल करके वॉश कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। और अब एक और यूज देख लेते हैं। एक और जुराब लिया है, इसके अपर पार्ट को मैंने इस तरीके से कट कर लिया है, तो मैं इसे उल्टा कर लेती हूँ क्योंकि इसमें ऊपर की तरफ काफ़ी बबल्स थे, तो मैं इसे उल्टा करके यूज कर रही हूँ। और ये जुराब का ऊपर का पार्ट है तो इसे हम कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। इस तरह से आपके पास कोई भी बॉटल है तेल की तो उसके ऊपर आप इसे लगा लीजिए। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि इसमें से जो भी ऑयल यूज करने के बाद ड्रिप होगा वो सारा जुराब का जो पीस है सोख लेगा उसको, और वो नीचे तक नहीं जाएगा, और यहाँ पर एक निशान सा बन जाता है, नीचे तक चला जाता है। काउंटर पर आप जिसे जहाँ पर भी रखते हैं वो सब गंदा हो जाता है, तो वो चीज़ नहीं होगी और आपकी ग्रिप भी अच्छी रहेगी इसके ऊपर। और उसी जुराब का जो निचला पार्ट था उसका भी हम यूज कर रहे हैं, तो ऊपर का हिस्सा इसमें से कट कर दिया है मैंने। और इसका यूज हम कैसे कर सकते हैं वो मैं भी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए साबुन के टुकड़े हमारे पास बच गए हैं। इस तरह के साबुन के टुकड़े आपके पास बच जाते हैं तो आप उनका यूज कर सकते हैं। इसको हमने इस जुराब के अंदर डाल दिया है, और इसके बाद वही रबर बैंड यूज कर रही हूँ जो मैंने दूसरे जुराब में से कट किया था। इस तरीके से 1-2 बार लपेटने के बाद इसमें एक नॉट लगा दें जिससे आप इसे हैंग कर सकते हैं। ये देखिए नॉट लगा दी है, आप चाहें तो इसे हैंग कर सकते हैं कहीं पर भी। आप इसे
नल के पास रख सकते हैं, टेप के ऊपर इसे हैंग कर सकते हैं, वॉश बेसिन के पास आप इसे हैंग कर सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल कैसे करना है चलिए देख लेते हैं। ये देखिए, इसे आपने हल्का सा गीला करना है और ये देख सकते हैं आप एक स्क्रबर की तरह से इसका यूज़ कर सकते हैं। वॉश बेसिन को धोने के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं, किचन काउंटर है उसको धोने के लिए आप उसे यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से रब करने के बाद आप इसे पानी से वॉश कर लें और फिर इसे किसी जगह पर हैंग कर सकते हैं, इस तरीके से टैप के ऊपर हैंग कर सकते हैं। और आप इसे हाथ भी धो सकते हैं इस तरीके से, आपने दोनों हाथों को इससे रब करना है, हल्का सा पानी डालना है और इसमें झाग बनेंगे और उसके बाद आप अपने हैंड्स को वॉश कर लीजिए। तो इसे दोनों तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। एक और यूज़ देख लेते हैं। ये देखिए, मैंने स्लीपर्स रखे थे और इनके ऊपर काफ़ी डस्ट जमी हुई है, तो इससे छुटकारा पाने के लिए हम जुराबों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह के स्लीपर्स आपके पास है तो आपने पुराने जुराब लेने हैं, सिंगल सॉक्स भी आप ले सकते हैं इसके लिए। और इस तरीके से आपने स्लीपर्स के ऊपर, शूज़ के ऊपर इस तरीके से लगा करके फिर इनको स्टोर करना है, तो इनके ऊपर ना डस्ट जमेगी और ना ही इनका जो अपर पार्ट है या जो भी शोपीस इनके ऊपर लगे हैं वो ख़राब होंगे, उनकी चमक भी ख़राब नहीं होगी। और आपके जो स्लीपर्स हैं आपको एज इट इज़ जैसे आपने रखे होंगे आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह से इनको स्टोर करने के लिए हम जुराबों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पास जितने भी जुराब हैं ख़राब हैं तो आप उनका यूज इस तरीके से कर सकते हैं स्लीपर्स को स्टोर करने के लिए। और एक और इस्तेमाल देख लेते हैं सॉक्स का। इस तरह के डिब्बे जिनके ढक्कन खो जाते हैं और उन्हें हम अक्सर फेंक देते हैं, बट हम जुराब का इस्तेमाल करके इस तरह के डिब्बों को रीयूज़ कर सकते हैं और कुछ एक ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं जिनका इस्तेमाल हम कई तरीके से कर सकते हैं। तो ये देखिए, डिब्बे के नाप से मैं यहाँ पर जुराब को कट कर रही हूँ और नीचे की तरफ मैंने इसे 1 इंच बड़ा रखा है। और इसके बाद हमने इसको इस तरीके से फंसाना है डिब्बे के ऊपर। तो आपके पास इस तरह का कोई डिब्बा नहीं है, कोई ख़राब गिलास है आप उसको ले सकते हैं, या फिर और कुछ नहीं है तो प्लास्टिक की बोतल को कट करके भी इस तरह का ऑर्गेनाइज़र बनाया जा सकता है। तो ये बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज़र है, मल्टी यूज में आप इसे ले सकते हैं। इसका जो ऊपर का किनारा है उसे हल्का सा अंदर की तरफ फोल्ड कर दीजिए, कहीं कोई ग्लू लगाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं चिपकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ये देखिए, ये नीचे का हिस्सा हल्का सा ट्रिम कर देते हैं, नीचे का हिस्सा इस तरीके से सेट हो जाएगा, ऊपर के हिस्से को अंदर की तरफ फोल्ड कर दीजिए और बहुत ही फिनिशिंग के साथ आपका एक ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार हो गया है। आप इसमें ब्रशेस रख सकते हैं, बाथरूम में आप इसे यूज़ कर सकते हैं ब्रश रखने के लिए, या फिर आप किचन में इसमें स्पून रख सकते हैं, पेंसिल, मेकअप ब्रश रख सकते हैं। और एक और यूज़ देख लेते हैं जुराबों का। इस तरह से आपने बेकार ख़राब जुराबों को लेना है और इस तरीके से आपने उसको हाथ के ऊपर पहनना है और किसी भी सरफेस को क्लीन करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, बहुत ही अच्छी क्लीनिंग होती है। ये देखिए, जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं उनकी क्लीनिंग में काफ़ी दिक्कत आती है, और उसे हम इस तरह से हाथ के ऊपर जुराब डाल करके उंगलियों से बहुत ही आसानी से क्लीन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप क्लीनिंग के लिए जितने भी ख़राब, बेकार और बदरंग हो चुके जुराब हैं उनका यूज कर सकते हैं। ये थे जुराबों के इस्तेमाल।